कमाल लग रहा है बुआ। आई एकदम लाजवाब दूल्हे राजा तैयार हो चुके हैं। सो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ, बहुत मस्त हूँ। तो मौसम तो बहुत सुहाना हो रहा है आज का, और मैं आज बता दूँ मेरे 2-3 दिन बाद ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मेरी लग गई है ड्यूटी, ज्वाइनिंग हो चुकी है, इस वजह से दाढ़ी क्लीन हो चुकी है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। तो आज का ब्लॉग बहुत खास रहेगा क्योंकि आज मेरे बड़े भाई की लगन और टीका है। तो भाई आज का ब्लॉग बहुत मस्ती वाला ब्लॉग रहेगा, तो भाई बने रहिए। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से बड़े पापा के घर पर, तो चलिए मैं लेके चलता हूँ। तो मैं यहाँ से चल रहा हूँ, राहुल भाई आ चुका है हमारा लेने के लिए, और अभी हम लोग निकलते हैं राहुल भाई की दुकान। राहुल को छोड़ के सीधे मैं निकलता हूँ बड़े पापा के घर पे। सो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ बड़ी मम्मी घर पे, और इधर देखता हूँ इधर कौन है। इधर बैठे हुए हमें बाबा जी। बाबा जी, बाबा जी, लव यू बाबा जी, कैसे हो आप? आएगा तू आई, ये देखो मुझे डराने लगे बाबा जी। हाय, क्या बात है। मुझे तुम अगर नाना जी हमें मिल चुके हैं मुझे जी बनाने में लगी है, और क्या, हमारा काम यही है। तो अंदर लेके चलता हूँ, अंदर कौन कौन है। नानी जी आ चुकी है, हम लेट हो गए थोड़े। नानी जी, नानी जी मिल चुकी है। नानी जी कैसी हो? तुमने बहुत दिन खींच ली आज करे। और भाई कैसे हो? बढ़िया। हेलो भाई। हेलो। बड़ी मम्मी क्या कर रही हैं? हाय हाय, कौन? और हमारी बड़ी मम्मी कैसी हो आप? बढ़िया है। मैं लेट हो गया, अब राहुल की दुकान में गया। सो फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं मैरिज होम में, वीएम गार्डन में, दिखाते हैं हम आपका वहाँ का नज़ारा कैसा क्या है। बड़े भाई हमें मिल चुके, रीशु भाई और अंशुल भाई मिल चुके हैं, न्यू न्यू इनकी ब्लड है। ये देखिए पूजन वूजन कराया है, हमें लगता है पूजन कराया है इसकी। अरे वाह, चलो चलो चलते हैं फिर। जो दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं वीएम गार्डन में, और यहाँ पे देखो क्या तैयारी चल रही है, यहाँ पे खाने पीने की तैयारी। ये देखिए हलवाई लगे हुए हैं और बढ़िया जबरदस्त वाला खाना बन रहा है। ये देखिए क्या बन रहा है, दूध आए है, दूध। ये सलाद वगैरह कट रहा है। तो अभी अंदर का दिखाते हैं नजारा कैसा क्या क्या सजावट चल रही है। तो दोस्तों, तो सजावट इतनी तगड़े से चल रही है, रात का लोकेशन देखना कितना मजा आने वाला है। क्यों रीशु भाई, कैसी सजावट चल रही है? अरे बहुत बेहतरीन सजावट चल रही है, तावड़ तोड़ वाली। बस ताऊ जी डीजे लगवा दें बस। तो बड़े भाई आ चुके हैं, पप्पू भाई। हेलो भैया जी। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर रूम देखने के लिए, यहाँ की कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं। वीएम गार्डन के रूम दिखाएंगे हम आपको। ये तो हॉल है पूरा, अंदर लेके चलते हैं, अंधेरा डला हुआ है काफ़ी ज़्यादा। सो दोस्तों, रूम देखो काफ़ी अच्छा भाई, कितना मस्त रूम है, और एसी वेसी सब लगी हुई है, बेड बेड सब डला है। आराम से आओ, मस्ती से रोको। रूम एक नहीं, काफ़ी ज़्यादा रूम है। ये सब में एसी सब में लगी भाई। रात की व्यवस्था देखना, ये इधर अभी लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं है, अभी हॉल है पूरा, ये यहीं पर जयमाला वगैरह प्रोग्राम होता है। और मैं तो यार कन्फ्यूज हो गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर के लिए, और भाई आ चुका है, अभी हम लोग घर जाएंगे। यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, अभी सजावट वजावट चल रही है, तो मम्मी पापा आ चुके हैं, तो अभी घर चलते हैं सीधे। भाई आ चुका है लेने के लिए, चलो। तो हम लोग आ चुके हैं घर पे, अभी ऊपर छत पे झालर वगैरह लग रही है, डेकोरेट हो रहा है घर भी, तो अंदर चल रहा है। यार तुम कहाँ आ रहे हो? कितनी देर से मैं देख रहा था मेरी दीदी कहाँ गई। शर्माती बहुत है मेरी प्यारी सी बहन, बहुत शर्माती, पता नहीं क्यों। पापा जी आ चुके हैं, और बड़े पापा भी मिल चुके हैं, छोटे पापा भी मिल चुके हैं, मामा जी ये बैठे हुए हैं, मम्मी अंदर बैठी हुई, मम्मी भी आ चुकी, बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, आज तीनों मम्मी आए, और मौसी, सब लोग हैं आज। मौसा जी ये बैठे हुए हैं, सबसे मिल चुके हैं हम। हाँ मौसा जी। तो हमारे दी और जीजू भी आ चुके हैं, ये देखो अंदर बैठे हुए हैं, और उन्नू। हेलो, सब लोग आ चुके हैं। कितनी देर हो गई आए? गाड़ी ई रिक्शा में जा रहे हैं, गिफ्ट देखो कितने सारे गिफ्ट रख दिए हैं। अब ये जा रहे हैं मैरिज होम, सीधे वीएम गार्डन पहुंचाओ। तो दोस्तों, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, और बेबी को लेने के लिए, और मैं जा रहा हूँ, और भैया जा रहे हैं, दोनों लोग जा रहे हैं गाड़ी से ले आऊँ। काफी देर से बोल लेते कि आए नहीं लेके। मैं आ चुका हूँ घर पे, और एक घंटा हो गया, ये तैयार नहीं हो भाई, देख रहे हो। मैं कब से मतलब वेट कर रहा हूँ, मतलब बेबी मेरा इतना आलसी है बहुत ज्यादा।
सो फाइनली मैं घर पे पहुंच चुका हूँ और किन से मिलवाने जा रहा हूँ, हमारे जीजू आ चुके हैं, बड़े जीजू छर्रा से। तो मैं मिलवाने जा रहा हूँ अपने बड़े जीजू से। बड़े जीजू ये खड़े हैं। हेलो जीजू, कैसे हैं आप? हेलो, और कैसे हो आप जी? बताइए कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ, बहुत एक्साइटेड था आपसे मिलने के लिए काफ़ी समय से। हमारे छोटे जीजू आ चुके हैं। और जीजू कैसे हैं आप? बढ़िया, बढ़िया ही रहना चाहिए। तो मेरी प्यारी सी बहन, किधर हो आप? सो फाइनली मेरी भाभी जी रेडी हो रही है। ये देखिए भाई, मेकअप वेकअप चल रहा है इनका जबरदस्त। और भाभी मेकअप चल रहा है जबरदस्त है। कहाँ जा रहे हो आज आप? लगुन चल रही है भैया की। आज भैया की लगुन चल रही है, सब तैयार होने, आज का ब्लॉग तो कुछ शानदार रहेगा। मेरी प्यारी सी बहन किधर है? ओहो, मेरी प्यारी सी बहन बहुत परेशान थी। वाह, मेरी दीदी बहुत देर से इंतजार कर रहा था अपनी बहन का, और मिली गई आखिर में। जीजू हमारे थोड़े सीधे साधे हैं बहुत ज्यादा। सो हे दोस्तों, तो हम दोनों भाई रेडी हो चुके हैं, क्योंकि हमारी फैमिली अभी तो निकल चुकी है, बहुत देर हो गई। तो हम दोनों भाई रह चुके थे, और मैं और रीशु भाई देखो रेडी हो चुके हैं। रीशु भाई ये रहे। हेलो रीशु भाई। और Hello. तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं मैरिज होम के लिए, क्योंकि सब लोग पहुंच गए, पूरी फैमिली पहुंची, हम ही दो लोग रह गए हैं। तो फटाफट निकलते हैं, वहां का नजारा दिखाते हैं, कितने लोग मिले, क्या हो रहा, मस्ती होने वाली। सो फाइनली हम लोग हो चुके हैं रेडी और निकलने के लिए वीएम गार्डन। तो अभी यहां से निकलते हैं और सीधे मिलते हैं वीएम गार्डन के लिए। तो मैं आ चुका हूं बड़े भाई से मिलने के लिए। बड़े भाई ये खड़े हुए हैं, अभी उनको तैयार करेंगे, मैं रेडी करूंगा बड़े भाई को। कहाँ चले रेडी करने आपको? चलो कर, चलो इसी मुझ जाओ। मामा जी हमारे ये रहे। और मामा जी आज बहुत व्यस्त थे काम में। मामा जी हमारे बहुत व्यस्त हैं आज, क्योंकि भांजे की है आज टीका, तो मामा जी रहेंगे व्यस्त। तो हम लोग आ चुके हैं अभी रूम में भाई, और भैया को करेंगे अभी टचअप। तो हमारे दूल्हे राजा अभी तैयार होंगे भाई टीका के लिए, एकदम जबरदस्त तैयारी करनी है इनकी, लगे कि हाँ कोई है। सो दोस्तों, तो हमारे बड़े भाई रेडी हो चुके हैं, तो मैं बड़े भाई को दिखा दूँ। तो हमारे बड़े भाई ये देखिए भाई, एकदम लाजवाब दूल्हे राजा तैयार हो चुके हैं। और भाई के कुछ मित्र आए थे, तो उनसे भी मिलवाता हूँ। भैया का नाम क्या है? पवन यादव भाई के मित्र हैं। और ये बड़े भाई, ये एक और हैं, ये कुलदीप राजपूत भैया जी। और हमारे मामा जी भी रेडी हो रहे हैं भाई। मामा जी भी क्या लगा रहे हैं? मामा जी लैक्मी का फाउंडेशन लगा रहे हैं मामा जी। मामा जी भी रेडी हो चुके हैं, मामा जी मस्त तैयार हो चुके हैं, और सब लोग तैयार हो जाए। आप दिखाते हैं अपनी पूरी सारी पार्टी की तैयारी चल रही है, नीचे जाते हैं जैसे सबसे मिलवाते हैं भाई। तो मैं दिखाता हूँ इसमें कौन तैयार हो रहा है। ये देखिए, ये सब अपने आप को टचअप कर रहे हैं यहाँ पे आके। मैं नहीं कर रही हूँ, मैं तो ऑलरेडी रेडी होके आई थी। अरे नहीं, ये तो सब बातें होती हैं, लेडीज लोगों का सबसे बड़ी कमी होती है कि बार बार टचअप करना अपने आप को। ये देखिए हमारे भाभी जी, देखो करेंगे नहीं क्या? इसलिए करते हैं क्योंकि हस्बैंड की कहीं बेइज्जती ना हो जाए। ये तो सब, वो तो सबको पता है ना, बेइज्जती वैसे भी नहीं होनी, हस्बैंड वैसे भी मस्त रहता है। हाँ मस्त रहे। सो दोस्तों, तो मैं अभी नीचे लेके चलता हूँ, नीचे सब गेस्ट से मिलवा दो, कौन कौन आया हुआ है पार्टी में। तो चलिए नीचे लेके चलते हैं। डीजे ये सब बज रहा भाई, इतनी मस्ती होने वाली है क्या बताऊँ। मेरा क्यूट सा बउआ ये बैठा है। और बउआ कैसा है मेरा बउआ? हाय मेरा बउआ, कितना स्मार्ट लग रहा है बउआ मेरा बउआ। और पूरे दिन तो ये देखिए हमारी पूरी फैमिली ये बैठी हुई है सब लोग। ये देखिए भाई, हेलो सभी लोग।
बढ़िया मामा जी। और मामा जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। हेलो हेलो। और मामा जी आप आए नहीं थे शादी में? किसकी शादी में? मेरी। आपकी शादी में? तो हमारे सोनू भाई आ चुके हैं और विनय भाई भी आ चुका है हमारा। आप डांस कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे होगा फोटो के लिए एक बढ़िया सी एक नंबर। यहाँ पे होगा डांस, आई डीजे लगा हुआ है। नानी जी आपने कुछ खाया? हा? क्या खाया? मैं कुछ नहीं खाऊ भाई। नानी जी हमारी मेरी प्यारी सी नानी जी क्या खिला क्या खाओगी आप बताओ? अच्छा खाते ही खाए ही नहीं है। आज डीजे पे डांस करना है आपको? हमें डीजे पे मैं इसे परियां बदल दे डांस करवाई ली। आज सब कुछ करना है आपको डांस। आज नानी आज दिखाना है आपको अपना जलवा पुराना वाला। दोस्तों तो प्रोग्राम सारे अच्छे से निबट गए थे। खाना पीना आप लोगों ने खा दिया था। अब यहाँ से निकल रहे हैं अपने घर के लिए। तो बाय दीदी। तो चलते हैं फिर मिलते हैं। ठीक है मम्मी जी। पापा जी चल रहे हैं घर पे जा रहे हैं। बाय। ठीक है मम्मी चलते हैं और फिर मिलेंगे। मामा जी बाय। हाँ कौन? हाँ नानी से। नानी से अपनी नानी से मेरी प्यारी नानी जी चलते हैं हम फिर मिलेंगे। ठीक है ठीक है मौसी जी बाय। सभी लोग बाय बाय चलते हैं मौसा जी बाय। सो दोस्तों तो मेरा राहुल भाई भी आ चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। मेरा बउआ पीछे आ रहा है। जय मिली कुशल। हाँ यही मिली नेक्सॉन भाई की टाटा नेक्सॉन कार मिली थी। ये खड़ी हुई है पीछे। तो भाई प्रोग्राम इतने मजे से निपट गए हम लोगों के बहुत अच्छे से। मेरा भाई नहीं आ पाया था। क्या करें शॉप देखता है तो व्यस्त ज़्यादा रहता है। शादी इसकी भी करानी पड़ेगी। सो है दोस्तों आपको आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया। प्लीज़ पसंद आया तो लाइक करना कमेंट करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। ओके बाय बाय टेक केयर।